सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 के पांचवें दिन भी काफी धमाल देखने को मिला है। इस शो में पहले दिन से ही कंटेस्टेंट के बीच झगड़ा शुरू हो चुका है। इस शो में ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स भी कंटेस्टेंट को रोज नया चैलेंज दे रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस 16 के पांचवें दिन एमसी स्टैन और शिव ठाकरे एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए हैं। एमसी स्टैन को लगा कि शिव ठाकरे उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें काफी कुछ बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच काफी झगड़ा भी शुरू हो जाता है। हालांकि साजिद खान वहां आकर उन दोनों के झगड़े को सुलझाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर बाकी घर वाले उन दोनों की लड़ाई करवाने में काफी एक्साइटेड दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं। वेल दोस्तों, इसके अलावा बीती रात शो में पानी की बोतल को लेकर सौंदर्या और मान्या के बीच तू-तू-मैं-मैं हो जाती है। इसके अलावा उत्तरन फिल्म एक्ट्रेस टीना दत्ता शालिन को उसके और सुम्बुल के रिश्ते को लेकर सवाल करती हुई नजर आती हैं। वो शालिन से पूछती है कि क्या उनकी और सुम्बुल के बीच कुछ चल रहा है। टीना के सवाल पर शालिन काफी हैरान हो जाते हैं और फिर उनके सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, अरे वो एक बच्ची है। इसके अलावा बिग बॉस 16 के घर में अर्चना और गौतम रैपर एमसी स्टैन की ज्वेलरी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी है वो नकली है। वहीं बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अब्दुल रोजी गौतम से काफी नाराज नजर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें लगा कि उनकी और गौतम की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और इसलिए वो उन्हें उम्मीद थी कि वो गौतम उन्हें वोट करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस बात से वो काफी निराश है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? बिग बॉस के आने वाले एपिसोड को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।